ना मैं एक मस्कारा के ब्रश की हेल्प से उसे लाइक अच्छे से ग्रूम कर लूँगी ना मैं एन वाई बे की आ पेंसिल यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ब्लैक मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ एज अ लिप बाम ना मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉर आई आई बेस एक्टलीट्स कंसीलर फाउंडेशन कॉन्टो हाईलाइट जो भी आप मतलब मल्टीपल शेड्स हैं इसमें एंड दिस इज रियली रियली गुड एंड मैंने इसे अमेजोन से लिया था आपने बोला हॉल नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा नाउ मैंने यहाँ पर मेपलिन कॉम्पैक्ट यूज़ किया है एंड ये भी नया ही है एक्चुअली मैंने लाइक like, दूसरा मैंने ऑर्डर किया था ना अपनी आइस के ऊपर लगा लूँगी अच्छे से दिन मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ये आई शेडो ले और ये दोनों शेड को ले अपनी क्रीज़ पे अप्लाई किया है एक अच्छी सी क्रीज़ देने के लिए एंड अच्छे से ब्लेंड कर दिया था मैंने इसे ना गाइस मैं सेम कंसीलर पैलेट में से यहाँ पे ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ फॉर काइंड ऑफ कटिंग माई क्रीज एक्चुअली मैं ज़्यादा नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं चाहिए था इसलिए मैंने कम कम किया था दोनों ही आईज पे ना मैं यहाँ ये रेडिश मरूनिश टाइप का शेड ले रही हूँ काइंड ऑफ़ रेड दिखता है ये मरून रेड बट इसका शेड कुछ पिंक अंडर टोन में आ जाता है बाद में एज यू कैन सी पिंक रेडिश शेड आ कुछ कुछ एक्चुअली रेडिश भी कम आ रहा है या मरून ज़्यादा आ रहा है बट आई नीड रेड तो मैंने रेड के लिए, लिए, लिए लिपस्टिक यूज़ की थी बाद में बट नाउ आई एम उन दोनों को मैं अपने आउट ऑफ पे एंड इन पे लगा के लगा लिया था मतलब एंड फिर मैंने वेट एंड वाइल्ड के पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड लिया था एंड देन मैंने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ किया रेड सो दैट आई नीड काइंड ऑफ अ रेड सॉर्ट ऑफ अ कलर सो वो आ जाए उसके लिए मैंने एक थिन ब्रश की हेल्प से लगाया था दोनों ही इनर वी एंड आउटर वी पे ना मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ काफ़ी सारा शेड्स हो गए हैं सो अच्छे से हो जाए ना मैं एक वाइप की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ लाइक अपनी पूरे लिड क्रीज़ को नहीं ना मैं यहाँ पे ये वाला शेड लेके अच्छे से लगा ले रही हूँ अगेन आउट ऑफ वी एंड इन इनर वी पे मैंने इनर वी एंड आउट ऑफ वी पे इसलिए वो वाला शेड प्लेस किए थे सो so, डैट अच्छे से क्रीज़ आ जाए मेनली आपको क्रीज़ पे करना है बहुत ज़्यादा क्रीज पे फोकस नहीं कर देना है बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल आपके, आपके आईब्रोज़ तक चला जाएगा जो कि मुझे नहीं चाहिए था फिर नीड आप कर सकते हैं दैन यहाँ पर मैंने वो डार्क ब्राउन शेड लेने के बाद उसे अपना कंसीलर यूज़ किया है सो डैट वो वाला एरिया क्लीन हो जाए ना मैं यहाँ पे हिला उड़ा के आशाडो पैलेट में से वाला गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ एंड जो मैंने ब्रश यूज़ किया है उस ब्रश में मैंने अपना थ्रेडिंग मेकअप थे स्प्रे डाला था सो so डैट उसकी पिगमेंटेशन डबल या उससे ज़्यादा होए ना अगेन मैं यहाँ पे ये वाला शेड ले रही हूँ फॉर नाइस नाउ मैं एक वेट वाइप से क्लीन कर ले रही हूँ अपने अंडा गाइस सो काट कोई फॉल आउट हुआ हो तो वो हट जाए ना अगेन आई एम यूजिंग दिस डार्क ब्राउन सॉट ऑफ शेड एंड डेट मरूनिश कांड ऑफ शेड अपनी वाटर लाइन के बाहर बाहर बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ किया था मैंने ना मैं यहाँ पर ये वाला शेड शिमरी शैम्पियन टाइप का शेड यूज़ कर जो कि शिमरी है अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए एंड दिस इज़ अ रियली रियली गुड शेड अगेन मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है नगर मैं अपने बेस के लिए ये कॉम्पैक्ट ही यूज़ किया था कॉम्पैक्ट मैंने पहले यूज़ कर लिया था मेरे आईज को थोड़ा रेस्ट मिल जाए बाद में मैंने अलैना यूज़ किया था एनवाबेक का जो कि मैंने ऑफ़ कैमरा यूज़ किया था और मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाया था बिकॉज़ नहीं तो फिर मेरा सावा मेकअप मेरा लाइन है रिकवर कर लेता ना मैं ऑफ़ कैमरा लगा के आती हूँ एंड मैं यहाँ पे मे ब्लिन का हाइपाकोल मस्का यूज़ कर रही हूँ वॉशियबल वाला बिकॉज़ मैं इस लोहरी कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ मैं अपने घर में सेलिब्रेट करूँगी जो भी मुझे सेलिब्रेट करना होगा इसलिए और मुझे वॉशेबल वाला ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू वाटर प्रूफ ना कॉन्टोरिंग के लिए भी मैंने यही बट एंड वाइल्ड के आई शेडो पैलेट में से ये वाला शेड यूज़ किया था क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग कॉन्टोरिंग नहीं करनी थी डैट्स वाई विदोर ब्रश ना मैं यहाँ पे ये वाला ब्लश यूज़ कर रही हूँ दिस इज ब्लू हेवन का ब्लश एंड यहाँ पे मैंने ब्लशर ब्रश की हेल्प से लगाया था उसे ना जो मैंने अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए आई शेडो यूज़ किया था आई शेड जो यूज़ किया था वही मैं अपने नोज़ को हाईलाइट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ना मैं यहाँ पर ये वाला लिप शेड लेकर काइंड ऑफ रेड एक्चुअली प्रॉपर रेड यूज़ कर रही थी एंड बीच में मैंने यहाँ पे ये वाला आई कन् डिस्क्राइब इट एक्चुअली पर्पलिश काइंड ऑफ शेड पर्पलिश एंड पिंकिश काइंड ऑफ शेड मैंने शेड चेंज कर लिया था मैंने शुगर यूज कर ली थी इन शेड थर्टीन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा था एंड नाउ माय मेकअप इज कम्प्लीट आप चाहें तो ऐसा ही रेड वाला लुक भी रहने दे सकते हैं बट मुझे वो बहुत ज़्यादा हार्श लग रहा था बहुत ज़्यादा बोल्ड लग रहा था एज कम्पेयर टू माई आइज सो इसलिए मैंने लिप शेड चेंज कर दिया आप चाहें तो वही रख सकते हैं मैंने ये लुक अपनी बिंदी के साथ कम्प्लीट किया है अ वाइट स्मॉल बिंदी आप चाहें तो ले सकते हैं मतलब तो लगा सकते हैं बिंदी नहीं तो यू कैन स्किप दैट ऑल्सो एंड दिस इज मै फाइनल लुक एंड अगर मैंने काजल भी यूज़ किया था शुगर का बट वो क्लिप मुझसे गलती से डिलीट हो गई ड्यू टू सम समरस एंड क्या कहते